हेलो एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर, और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि सब कुछ अच्छा अच्छा आए। बट अगर कोई वार्निंग मैसेज मुझे मिलेगा तो हमेशा की तरह मैं आपको ज़रूर से वार्न करूँगी। और शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर हम मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स लेंगे, और हम लास्ट में लेंगे एंजल गाइडेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं वन बाय वन, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं कलेक्टिवली। ज़्यादातर लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या हो सकती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो मेरे व्यूवर्स के लाइफ में? ऐसी कौन सी खबर आ सकती है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो? प्लीज़ गाइड करें। दो कार्ड्स और आ रहे हैं, कुछ कार्ड्स मुंह नहीं दिखाना चाह रहे हैं, तो हम इनका मुंह बाद में ही देखेंगे। चलिए, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, ग्रोथ मिल सकती है, बिजनेस के आइडियाज़ आ सकते हैं, न्यू वेंचर्स स्टार्ट कर सकते हैं, बोनस मिल सकता है, या कोई अच्छी हायर पोजीशन की जॉब मिल सकती है, या स्टेबल जॉब मिल सकती है, या बॉस से किसी तरह का फ़ायदा मिल सकता है। जैसे बॉस आप पर प्रसन्न होकर आपको कोई गिफ्ट दे दें, या आपको प्रमोट कर दें, या आपको कोई जैसा आपकी इच्छा हो उस तरह का आपको कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, तो कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अनएक्सपेक्टेड कुछ गुड न्यूज़ आपको फाइनेंशियली मिल सकती है। सेकेंड कार्ड हमारे पास है आने वाले हफ्ते के लिए, दैट इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स। तो आप में से कई लोगों का आने वाले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड झगड़ा हो सकता है, या तो आस पड़ोस में, या फैमिली में, या आउटसाइड जो वर्ल्ड है उसमें आपको किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बिना बात के आप पे कोई अटैक कर सकता है, आपको बुली कर सकता है, पोक कर सकता है, तो आप उसको रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि हमेशा पहला वार सामने वाले को करने देना चाहिए। अगर आप एक अवेकन सोल हैं, अगर आप एक प्योर सोल हैं, तो अग्रेशन लोअर वाइब्रेशन एनर्जी है। लेकिन अगर आप सत्य के मार्ग पे हैं और कोई आपको रोकने की कोशिश करता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि सत्य के मार्ग पे अगर आप आगे बढ़ते हैं और आपको कोई रोकता है, कोई आपको परेशान करता है, तो अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन आए तो कभी भी ये सोचकर आप पीछे नहीं हटिएगा कि आप एक अवेकन सोल हैं और आपको झगड़े लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके सही होने के बावजूद आप पर वार करे, तो आपको पीछे भी नहीं हटना चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में हो सकती हैं। थर्ड हमारे पास आज आए हैं बहुत दिन बाद किंग ऑफ वांड्स। तो आप में से कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन बहुत लकी हो सकता है, हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई पर्सन आए और आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगे, अचानक से आपकी कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, अचानक से आपका कोई मसला हल हो जाए, और आपको लगे कि यार इस पर्सन के पाँव तो बड़े लकी हैं। मतलब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई क्रश आपके ऊपर आ सकता है, किसी का दिल आपके ऊपर आ सकता है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। हो सकता है आप मैरिड हों, हो सकता है आप कमिटेड हो, लेकिन आपके लाइफ में सडनली कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो कि आपके तरफ मैसेजेस करे, आपको प्रपोजल देने लगे, आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, और वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो। तो अगर आप कमिटेड हैं या मैरिड हैं तो आप दोस्ती रख सकते हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है, आपके लाइफ में कोई ऐसा हैंडसम पर्सन या ब्यूटिफुल पर्सन आपके लाइफ में एंट्री ले सकती है या ले सकता है। साथ ही यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कोई बोल्ड स्टेप लेगा आपकी तरफ। अगर आप किसी का स्टेप लेने का वेट कर रहे हैं, तो वो आपकी तरफ पैशनेट होकर कोई बोल्ड स्टेप ले सकता है, कोई बोल्ड डिसीजन ले सकता है। देन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोगों का आने वाले हफ्ते में सडनली ब्रेकडाउन हो सकता है, ब्रेकडाउन इन द सेंस रोना आ सकता है, स्लीपलेस नाइट हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, रात को नींद नहीं आएगी, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है।
तो गाइस इतना स्ट्रेस क्यों लेना, 4 दिन की ज़िंदगी है, हर चीज़ को हंसते खेलते फेस कीजिए। जो भी चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, हर दिन एक नया दिन होता है और हर दिन आपको न्यू चैलेंजेस आपको मिलेंगे, और जो बेस्ट हीरो होगा उसको ज़्यादा चैलेंजेस मिलेंगे जिसका हार्ड रोल होगा, और जो जिनको ज़्यादा चैलेंजेस नहीं मिलते हैं, समझ ले भगवान की उनके ऊपर से थोड़ी कम नज़र है। और मेरा तो यही मानना है कि जिसको निखारना होता है, हीरे को तराशा जाता है, ठीक है, तो हीरे को तराशा जाता है मतलब कि हीरे को कितना कष्ट दिया जाता है तराशते टाइम, तभी वो निखर कर आता है। तो भगवान क्या करते हैं, जिन सोल्स से कुछ बड़े काम करवाने होते हैं या जिन सोल्स का लाइफ पर्पस होता है कुछ अवेकन होना, उनको अच्छे से तराशते हैं भगवान, उनको बहुत ऑब्स्टिकल्स देते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात देते हैं, और फिर उस मुश्किल हालात में वो चेक करते हैं कि क्या आप उस मुश्किल हालात में भी भगवान का हाथ थामे हुए हो या छोड़ रहे हो। अगर आपने उस मुश्किल हालात में भी भगवान का हाथ थामा हुआ है तो समझ लें कि आपकी जो नैया है वो भगवान खुद खेवैया बनकर पार लगाएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बट आने वाले हफ्ते में स्लीपलेस नाइट यहाँ पर दिख रही है, मतलब कोई सडन आपके ऊपर कोई स्ट्रेस आ सकता है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो सकते हैं या हो सकती हैं। देन वी हैव टू ऑफ वांड्स, आप में से बहुत सारे लोग दौराहे पे खड़े हो सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे और सडनली आपके पास 2-3 ऑप्शंस आ गए और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार इसे चूज़ करूँ या इसे चूज़ करूँ, इसकी तरफ जाऊँ या इसकी तरफ जाऊँ, क्या करूँ, ये वाली एनर्जी है। मतलब आपका वेट तो कम्प्लीट हो गई, मतलब आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऑप्शंस ज़्यादा आ जाएंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये करियर में है तब तो बहुत अच्छा है, अगर ये मैरिड लोगों के लिए ऑप्शंस हैं तो, मतलब मैरिज के लिए ऑप्शंस हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आप कमिटेड हैं किसी के साथ और आपके तरफ दूसरा भी एक सिचुएशन आ जाए तो आप दोराहे पे खड़े हो सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल दूंगी यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी पर्सन से बहुत प्यार करती हैं या बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी स्टैंड नहीं ले रहा या नहीं ले रही, कमिटमेंट नहीं दे रहा, और आप बरसों से उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि अब शायद वो कमिटमेंट दे दे, अब शायद वो कमिटमेंट दे दे, और सडनली क्या हो कि इधर से कोई आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता है जो बहुत लवी डवी एनर्जी हो, आपको बहुत रिस्पेक्ट दे, बहुत केयर करे, अच्छे घर का पर्सन हो या लड़की हो या लड़का हो, अब आप कन्फ्यूजन में हैं कि यार इसकी तरफ जाऊं या इसकी तरफ जाऊं, क्या करूं। कुछ इस तरह के हालात आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकते हैं आने वाले हफ्ते में कि आपको चूज़ करना पड़े 2 में से 1 सिचुएशन। फिर हमारे पास है हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों का इंट्यूशन बहुत पावरफुल होगा, सडनली आपके लाइफ में कुछ चीज़ें घटित होने वाली होंगी और आपको पहले कोई ना कोई ड्रीम्स के थ्रू या किसी साइंस के थ्रू आपको गाइडेंस मिल जाएगी। साथ ही आपको कुछ विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, कुछ ड्रीम्स मैं आपसे शेयर करूंगी जैसा कि मैं अक्सर किया करती हूं। आने वाले हफ्ते में सडनली आपको ऐसा नज़र आ सकता है कि आप बहुत भीड़ देख रहे हों या किसी भीड़ को अपने घर की तरफ आते हुए देख रहे हों, या तो आप उस भीड़ का हिस्सा हों या तो वो भीड़ आपकी तरफ आ रही हो, अग्रेसिव भीड़ भी हो सकती है, नॉर्मल भीड़ भी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों को फायर का ड्रीम आ सकता है, आग, अग्नि, किसी भी रूप में, मशाल के रूप में, फायर के रूप में, किसी भी रूप में आपको आग नज़र आ सकती है। आप में से कुछ लोगों को स्काई नज़र आ सकता है, स्काई में कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं। आप में से कुछ लोगों को आइज़ के ड्रीम आ सकते हैं, ये ड्रीम्स स्पेशली उन लोगों को आएंगे जो बहुत हाईली स्पिरिचुअल एनर्जी में पहुँच चुके हैं या पहुँच चुकी हैं। आप में से कुछ लोगों को साइकिल चलाने की ड्रीम आ सकती है कि आप बहुत फ्रीली साइकिल चला रहे हैं, ये भी हो सकता है कि आप गिर जाएं, ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही तेज़ चला रहे हों, या ये भी हो सकता है कि आप बहुत आराम से चला रहे हों, सबकी मीनिंग अलग होती है। आप में से कुछ लोगों को स्नेक का ड्रीम आ सकता है, किसी भी रूप में स्नेक आपको दिख सकता है, या तो अग्रेसिव या तो नॉर्मल, बट आपको स्नेक के ड्रीम्स आ सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को हॉरर ड्रीम्स आ सकते हैं, आप में से कुछ लोगों को आयरन के ड्रीम्स आ सकते हैं, आयरन मतलब प्रेस नहीं, आयरन मतलब लोहा, लोहे के ड्रीम आ सकते हैं, या तो आप कहीं पे किसी जगह पे बहुत सारे लोहे देख सकते हैं।
कुछ इस तरह के ड्रीम्स आपको नज़र आ सकते हैं। मुझे और भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आप में से कुछ लोगों को प्लांट्स के ड्रीम आ सकते हैं, ट्री दिखाई दे सकता है, फ्रूट्स दिखाई दे सकते हैं। इस्पेशली अगर आप फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में हैं और अगर आपको फ्रूट्स दिखते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। तो इस तरह के कुछ ड्रीम्स मैंने आपसे शेयर किए हैं फ़िलहाल, जो मुझे एनर्जी पिक हो रही थी। अगर आने वाले हफ्ते में इस तरह के ड्रीम्स, ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अननोन प्लेस पर ट्रैवल करें, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको किसी पास्ट लाइफ में लेकर जाए, या किसी ऐसे लोगों के साथ आप अपने आप को पाएं, जैसे कि आप रहते इंडिया में हैं बट आप फॉरेन घूम रहे हैं, और ड्रीम में आप बिल्कुल बकायदे फॉरेन में घूम रहे हैं और आप फॉरेन में बातें कर रहे हैं, और उसके बाद जब आपकी सोल जगती है तो आप इंडिया में बैठे हुए हैं, और आपने अपने पेरेंट्स से बोलना है ये बातें कि यार मैं तो पूरा फॉरेन घूम के आ गई या आ गया। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। तो अगर इस तरह की अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। देन वी हैव 10 of Pentacles। आप में से कई लोगों का फैमिली के साथ मीटिंग हो सकता है, कोई फैमिली सेलिब्रेशन, कोई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की एनर्जी है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग दूर रहते हो, हो सकता है आप फैमिली से बहुत समय से मिले ना हो, या कुछ पुराने रिलेटिव्स, कुछ आपके काफ़ी सालों के बाद आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। साथ ही बहुत अच्छा टाइम आप फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे या करेंगी। आप में से कुछ लोगों को गिफ्ट्स मिल सकते हैं, स्पेशली पेट्स की एनर्जी है, कोई एनिमल, कोई बर्ड, इस तरह की एनर्जी है। हैरोफेंट की एनर्जी है गाइस। आप में से कुछ लोग लीगल इशू में आ सकते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी लीगल इशू में पड़ जाएं, कोर्ट कचहरी का कोई मसला आ जाए आपके ऊपर। ये भी हो सकता है आपकी मुलाकात किसी गुरु से हो जाए, आपके टीचर से आपकी मुलाकात हो जाए, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। ये भी हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो जाए, अगर आप सिंगल हैं तो शादी का बॉम्ब ब्लास्ट आपके ऊपर हो सकता है, और वो भी ट्रेडिशनल वे में, मतलब अरेंज्ड मैरिज। देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोग बड़े रूड व्यवहार कर सकते हैं, या आपसे किसी का रूड व्यवहार हो सकता है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा बंदा या बंदी इंटर हो सकता है जो कि आर्मी, नेवी या इस पोजीशन, पुलिस, इन सब पोस्ट का हो। कोई ऐसा दोस्त आपका बन सकता है या बन सकती है जो कि इन सब बैकग्राउंड से हो। तो इस तरह के पर्सन से आप लोगों की मुलाकात हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कई लोगों के लाइफ में, लव लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं, कोई भी नहीं है पर्सन इस वक्त, आप सिंगल हैं। सिंगल का मतलब ये नहीं कि आप अभी, मतलब फ़र्स्ट टाइम आप किसी से मिलने वाले हैं। हो सकता है आप डिवोर्सी हों, हो सकता है आप विडो हों, हो सकता है आपका किसी तरीके का ब्रेकअप हुआ हो। सिंगल का मतलब इस वक्त आप सिंगल हैं, तो आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। सडनली आपको कोई ऐसा मैसेज आ सकता है, या किसी की तरफ से ऐसा जेस्चर आपको रिसीव हो सकता है, जिससे आपके लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरे लाइफ में भी कोई है, या मैं भी खुश हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, मेरे लाइफ में भी लव की एनर्जी है। समटाइम्स लोग क्रेव करते हैं एनर्जी के लिए। समटाइम्स हम लोग को ये ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम, क्या मेरे नसीब में प्यार है, क्या मैंने हमेशा लाइफ में धोखा खाया है, हर्ट हुई हूँ या हर्ट हुआ हूँ, क्या मेरे नसीब में ट्रू लव है। तो डेफिनेटली गाइज, अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में कोई न्यू बंदा आने वाला है, जो आपके लाइफ में, देखिए नई नई पत्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं, समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ, फ्रेश। ये मोस्टली सिंगल्स के लिए है। फिर हमारे पास है एम्प्रेस। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप में से कई लोगों के दिमाग में रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया आ सकता है अनएक्सपेक्टेडली, या आपको कोई ऑफर कर सकता है कि क्या आप पार्टनरशिप में पैसे लगाएंगे। कुछ लोगों को पेट्रोल पंप की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों को पेट्रोल पंप से रिलेटेड कोई ऑफ़र मिल सकता है। आप में से कुछ लोगों को ड्रेस मटेरियल से रिलेटेड कोई बिजनेस करने का आइडिया मिल सकता है। यहाँ पर ज्वेलरी से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड, बुटीक से रिलेटेड कोई आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है। बिजनेस वेंचर की एनर्जी है। प्लस कुछ लोगों के लाइफ में प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिल सकती है। एक और एनर्जी मुझे आ रही है, आप में से कुछ लोगों की मदर की तबीयत ख़राब हो सकती है। अपनी माता का ध्यान रखें, केयर करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके खान पान का ध्यान रखें। लास्ट कार्ड है 3 of Wands। आप में से कई लोगों के लाइफ में
अचानक से ट्रांसफ़र का नोटिस आ सकता है, अचानक से आपकी जगह वर्किंग लोकेशन शिफ्ट हो सकती है, अचानक से आपका घर चेंज हो सकता है, या इस तरह की कोई नोटिस मिल सकती है, या आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड ट्रैवल करने की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये कुछ चीज़ें सडनली आपके लाइफ में हो सकती हैं आने वाले हफ्ते में। आते हैं मेजर अरकाना पे और देखते हैं मेजर अरकाना से क्या निकल कर आता है, जो ज़्यादातर लोगों के लाइफ में होगा। वही 5 कार्ड्स मेजर अरकाना से आएंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या एनर्जी है मेजर अरकाना से। 5 कार्ड्स अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। एम्प्रेस देखिए, टैरो से भी आई थी, यहाँ से भी आए हैं, तो जो मैंने एम्प्रेस के लिए बताया है वही सेम एनर्जी है, वो ज़्यादातर लोगों से मैच करेगी। द स्टार की एनर्जी है, आप में से कई लोग होपफुल होंगे किसी चीज़ को लेकर और आपकी कोई विशेस पूरी होंगी, होपफुल होना ज़रूरी है। रीयूनियंस बहुत सारे होंगे गाइस। द लवर्स की एनर्जी आ गई, राधे कृष्ण। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में अगर सिंगल हैं तो कोई न्यू एंट्री होगी, कोई सोलमेट आपके लाइफ में एंटर कर सकता है, कर सकती है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपका अगर सेपरेशन चल रहा है तो रीयूनियन हो सकता है। अगर आप कमिटेड रिलेशन में हैं बट कमिटमेंट नहीं मिल रही है, पार्टनर से सेपरेशन चल रहा है, तो भी आपको मैसेजेस कॉल्स आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ आफ्टर सेपरेशन। ओके, डेथ का कार्ड आ गया, तो यहाँ पर कुछ बैड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है। मैं नहीं चाहती थी ये कार्ड आए बट आ गया है, तो जैसी महादेव की इच्छा कोई बैड न्यूज़ यहाँ पर रिसीव हो सकती है। मैं क्लैरिफाई करूँगी इस कार्ड को, कैसी बैड न्यूज़ एंजल्स। कुछ लोगों की जॉब पे प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ लोगों की फैमिली से रिलेटेड बैड न्यूज़ आ सकती है, कुछ लोगों को डेथ के ड्रीम्स आ सकते हैं, हॉरर ड्रीम्स आ सकते हैं, कुछ लोगों के लाइफ में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है डेथ से रिलेटेड। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। लास्ट कार्ड द मून, यहाँ पर इमोशंस बहुत हाई होंगे आने वाले हफ्ते में। आपको ऐसा लगेगा कि आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस हो रहे हैं और ये जो चेंजेस होंगे ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे हर्ट कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं। आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर या किसी पर्सन को लेकर, आपके वाइब्रेशंस जो हैं वो बहुत डाउन जा सकते हैं, तो अपना ध्यान रखें, स्ट्रेस न लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग या नाइट में। ज़्यादा से ज़्यादा इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे में 12 घंटे, एटलीस्ट 10 मिनट आधे घंटे जितना आप कर सकते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके ऊपर अटैक कर सकती हैं, कर्मा लेयर्स रिलीज हो सकते हैं, तो बॉडी पेन हो सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि शनि देवता जो हैं वो अब वक्री हो रहे हैं और वो जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न राशि में, तो यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस आप सबकी लाइफ में आएंगे, सडन होंगे वो चेंजेस। जैसा कर्म वैसा फल, ये शनिदेव का रूल है, तो अगर आपने अपने लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं तो तैयार हो जाइए, गुड न्यूज़ की बरसात होगी आपके ऊपर। और अगर आपके कर्म इस जन्म के या पास्ट लाइफ के कोई कर्मास अगर बैलेंस हैं तो वो रिलीज़ होंगे। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए आने वाले हफ्ते के लिए। फर्स्ट जो गाइडेंस है वो है ऑनवर्ड एंड अपवर्ड, लेट गो ऑफ द पास्ट सो यू कैन बी प्रेजेंट एंड द क्रिएट द फ्यूचर यू डिज़ायर। पास्ट में बहुत ज़्यादा हैं आप में से कुछ लोग, पास्ट में अगर कुछ गलत हुआ है, पास्ट में अगर आपके साथ कुछ लोगों ने गलत किया है, लोगों ने व्यवहार गलत किए हैं, लोगों ने धोखा दिया है, या पास्ट में आपका जो रहन सहन है वो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रही हैं, तो पास्ट को लेट गो करें। जब तक आप पास्ट में रहेंगे आप फ्यूचर को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, प्रेजेंट को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जैसा फ्यूचर आप डिज़ायर करते हैं वैसा प्रेजेंट में मैनिफेस्ट करें।
तभी आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। सेकंड कार्ड है हमारे पास डिवाइन प्लान। जो कुछ भी होता है वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। योर सोल हैज़ अ मास्टर ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ पाथ। आपकी सोल धरती पे आने के पहले ही ब्लूप्रिंट डिसाइड करके आती है कि मुझे कब कहाँ जन्म लेना है, किसके किसके साथ मेरा कर्म है, किसके किसके साथ मुझे आगे बढ़ना है, कब कब मेरे लाइफ से कौन रिलीज़ होगा, कब कब मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जाऊँगा या जाऊँगी, कब कब मुझे कौन कौन सपोर्ट करेगा राइट डायरेक्शन में आने के लिए, ये सब कुछ ब्लूप्रिंट डिसाइड होता है। तो जस्ट सरेंडर टू डिवाइन एंड गो विद द फ्लो। लास्ट कार्ड है हमारा आज के रीडिंग का, दैट इज ट्रू लव। एट द कोर फाउंडेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप इज द पोटेंशियल फॉर ट्रू लव। आप में से कई लोगों के लाइफ में ट्रू लव की एंट्री होने वाली है, या ट्रू लव अगर ऑलरेडी है आपके लाइफ में तो रीयूनियन होने वाला है। बॉटम की एनर्जी है बून। हेवन इज रशिंग इन एंड शावरिंग यू विद ब्लेसिंग्स। ओपन योर हार्ट टू रिसीव। अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिए रिसीव करने के लिए। हेवन से, स्वर्ग से जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए, वो बहुत बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में मिरेकुलस चेंजेस लेकर आएंगी। अपने लाइफ में अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिए और हमेशा पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए। कभी भी पास्ट में मत रहिए, प्रेजेंट में रहिए और आने वाले फ्यूचर की डिज़ायर कीजिए। एक अच्छी डिज़ायर, जो आप सोचते हैं वही आप क्रिएट करते हैं। तो ये है आज की रीडिंग। होप आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।